नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम आपको कुछ नया दिखाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं और यही कारण है कि जो भी उत्तर प्रदेश की झांसी में नया होता है उसे हम आपको हर पल की अपडेट के साथ जोड़ते हैं। इस समय हम आपको ग्वालियर रोड पर बन रहे 4 लेन ओवरब्रिज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है सांसद अनुराग शर्मा, जो कि झांसी ललितपुर के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर यानी कल इस ओवरब्रिज के एक लाइन को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज इसकी क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं। कल हमने आपको इसके नए डेवलपमेंट शाम के समय की पोजीशन दिखाई थी, अब आप चलिए देखिए इस समय क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। तो ये 4 लेन ओवरब्रिज का वो लाइन है जो कल खोला जाना है और आप देख सकते हैं कि इस समय इस लाइन पर डामरीकरण हो गया है। हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आपको डामरीकरण नहीं होने की शुरुआत देखी थी आपने, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से डामर डाला जा चुका है और पुल के ऊपरी हिस्से पर भी डल गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक सज्जन जो है वह फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी गाड़ी को लेकर दौड़ रहे हैं। हालांकि हमने जैसा आपसे कहा है कि रोड पूरी तरह से डल गई है और कल ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इतना सा हिस्सा है जो अभी थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं पूरी सड़क जो ओवरब्रिज के ऊपर की सड़क है जिस पर कल से आप दौड़ेंगे वाहनों के साथ में, ये पोजीशन इस समय है यहाँ की। हम आपको पूरा पुल दिखाते हैं, ये पूरी तरह से जो तैयार हो गया है। यहाँ पर अभी टेंटिंग पेंटिंग का काम होना है दोनों तरफ की दीवारों पर, लेकिन फिलहाल सफ़ेदी हो गई है और ये सड़क जो आप देख रहे हैं डाल दी गई, इसके ऊपर फिनिशिंग होना है वो आज रात को कर दी जाएगी जैसा कि बताया गया है। और सुबह अब ये कितने बजे इसका उद्घाटन होगा ये तो अभी फाइनल नहीं है और कौन करेगा, वैसे अनुमान है कि सांसद अनुराग शर्मा ही यहाँ के जो पुल का एक जो हिस्सा है उसको जो खोला जाना है उसको हरी झंडी दिखाएंगे, यहाँ से यातायात शुरू होगा। और झांसी वासियों के लिए तो फिलहाल यह बड़ी सौगात है, क्योंकि ये जो ओवरब्रिज है पिछले लंबे समय से यहाँ पर यातायात को लेकर डिमांड की जा रही थी। और जब आप ऐसे में चलेंगे तो जिस प्रकार का नज़ारा आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं सेम नज़ारा आपको इस पुल पर चलते समय दिखाई देगा। लेकिन हम आपको जो तैयारी अंतिम है, कल जब उद्घाटन होना है उसके पहले ओवरब्रिज पर किस प्रकार से ये सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है ये आपको दिखा रहे हैं। और रेलवे का वो हिस्सा भी दिखाते हैं जहां सामने आप देख रहे होंगे जो इंद्रधनुष आकार का नया डिज़ाइन बनाया गया है वो किस प्रकार का है। वहाँ पर लाइटिंग लगाई जाने की जो पूरी बात कही गई है कि रात के समय अंधेरा ना हो, इसके लिए LED लाइट लगाने को लेकर झांसी के जो सांसद अनुराग शर्मा जब बीते दिनों यहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे तो उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर कहा था कि यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था ज़रूर की जाए। तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो बीच में लोहे वाला हिस्सा देख रहे हैं इस पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप हमारे साथ में इस समय ओवरब्रिज की जो सड़क है उस पर पैदल चल रहे हैं, कल से आप यहां से वाहन दौड़ाएंगे। हमने आपको इस पुल को लेकर पूरी विशेष जानकारी जब से निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार दी है और कल जब उद्घाटन होगा उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो पोजिशन है लेटेस्ट पोजीशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस समय जब पहले हमने आपको दिखाया था तब यहाँ पर यह सड़क नहीं डली थी और आज यह सड़क पूरी तरह से डल चुकी है। और बगल का हिस्से का जो निर्माण है, दूसरा वाला जो पिलर है उसका भी आप यहाँ पर निर्माण देख रहे होंगे, बड़ी तेज़ी से चल रहा है क्योंकि इस हिस्से के बनने में अभी समय लगेगा, इसीलिए इस वाले मार्ग को
यातायात के लिए कल से खोला जाएगा। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मुख्य हिस्से में हम आ गए हैं, जहाँ रेलवे के ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से भी आपको शहर खूबसूरत दिखाई देगा। और यहाँ से यह सारा सामान जो अभी आप देख रहे हैं मजदूर काम करते, ये सामान सारा हट जाएगा, क्योंकि कल से यहाँ से आप बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान के साथ में झांसी के नगर का एंजॉय करते हुए यहाँ से अपने वाहन को दौड़ा सकेंगे। यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रेलवे का देख सकते हैं, पूरी तरह से इसको भी रंग रोशन कर दिया गया है और यहाँ के दोनों तरफ की दीवारों पर रंग रोशन हो गया है। साइड में ये जो आप देख रहे हैं जाली लगाई जाती है ताकि यहाँ से खतरा ना हो, वो जाली भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। और ये जो आप देख रहे हैं बोरियाँ डली हुई हैं सीमेंट की, क्योंकि यहाँ पर सीमेंटेड है सड़क, तो इसको गीला किया जाता है ताकि सीमेंट पूरी तरह से सेट हो जाए। बताया जाता है कि ये जो बोरियाँ सामान रखा हुआ है यह शाम को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ से रात में इस हिस्से में पूरी सड़क डाल दी जाएगी, जैसा कि उस तरफ की आपने डामर की सड़क देखी, इस तरफ की डामर की सड़क भी रात में पूरी तरह से डलकर तैयार हो जाएगी। और सुबह जब आप इसका उद्घाटन होगा तो इस पुल पर आप फिलहाल वाहन दौड़ाने को तैयार रहें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मजदूर जो नीचे सीमेंटेड है उसको सही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब डामर की रोड डाली जाएगी। जैसा कि उस तरफ के हिस्से में आपको ने देखा, वहाँ पर डामर की रोड पूरी तरह से ढलकर तैयार हो गई है। इस वाले हिस्से की जो रोड है वो अभी दोपहर या शाम को ढल जाएगी पूरी तरह से। तो सुबह जब आप यहाँ से वाहन दौड़ाएंगे तो एक छोर से शुरू होकर आप दूसरे छोर तक चले आएंगे। हमने आपको उद्घाटन से पहले इस ओवरब्रिज के पूरी तैयारियों का नज़ारा दिखा दिया है, और साइड में जो आप देख रहे हैं ये दूसरा हिस्सा है फोर लेन का, उसका भी निर्माण कार्य आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ये सीधा रास्ता आपको जब भी आप इसमें देख रहे हैं, जो सीमेंट है अकेली, इसके ऊपर जो डामर डलना है, जैसा कि उस वाले हिस्से में हमने आपको दिखाया वहाँ पर रोड तैयार हो गई है, यहाँ भी रोड उस तरफ से डलती हुई आ रही है। ये आप सामने देख रहे होंगे जी, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। वहाँ से जो सड़क है वह बनती चली आ रही है, क्योंकि सड़क बनने में जो टाइम लगता है उसके हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। तो फिलहाल आपको बड़ी अपडेट हम ये बता रहे हैं कि कल जो आप इस ओवरब्रिज पर वाहन दौड़ाएंगे उसके पहले फिलहाल यहाँ तैयारियाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। सड़क इस हिस्से की डल कर तैयार हो जाएगी, उस हिस्से की डल गई है, और कल से आप यहाँ पर वाहन अपने दौड़ा सकेंगे। अब कौन इसका उद्घाटन करेगा इसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे, वो कब होगा इसको भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ओवरब्रिज जो सीपरी बाज़ार में, माफ करें, ग्वालियर रोड पर जो बना है फोर लेन ओवरब्रिज, जिसको लेकर झांसी वासियों को बहुत जिज्ञासा है, बहुत इंतज़ार था कब शुरू होगा, और इसके शुरू होने की अब घड़ी आ गई है। तो फिलहाल आप देखते रहिए मार्केट संवाद, हम आपको कल इस पुल पर एक बार वाहनों के साथ चलते हुए दिखाएंगे। तब तक आपको हम यहाँ का जो नज़ारा है वह दिखा रहे हैं। यहाँ से पूरी तरह से आप शहर का खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ से देखिएगा। इस तरफ वाला हिस्सा हरियाली भरा रहेगा हमेशा, और इस तरफ वाले हिस्से की जो शहर की आबादी है वो दिखाई देगी, और सामने यह ओवरब्रिज है। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट झांसी।